गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियंका चौरसिया कोलकाता से आज आपके सामने फिर मेरा एक वीडियो आ गया है। और ये वीडियो आज सुबह, मतलब आज सैटरडे है, छुट्टी है, तो मॉर्निंग वॉक आए हैं, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। तो अभी फ़िलहाल जिस लेक में हम लोग जाते हैं, जिस पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वो तो बंद है क्योंकि सभी जगह कोरोना ही है, तो पार्क तो बंद है। लेकिन जिस ये पार्क जो है वो विवेकानंद पार्क है, जो बहुत ही एक तरह से माना जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। हम लोग की एक रिसेंट मूवी आने वाली है चक द एक्सप्रेस, वो इस पार्क से बहुत ही जुड़ी हुई मूवी है, तो इसकी स्टोरी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज फ़िलहाल हम लोग आए हैं, मॉर्निंग वॉक कर लिए हैं, एक्सरसाइज भी कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग यहाँ पे कैसे क्रिकेट खेलते हैं। खासकर ये जो पार्क है वो आप लोग मेरा लोकेशन देखेंगे तो आप लोग को शो करेगा, ये कलकत्ता क्रिकेट एकेडमी है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे क्रिकेट सिखाया जाता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप देखिए, देख के खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है। छोटे बच्चे भी यहाँ पे क्रिकेट सीखने आते हैं, जो अप टू 5 ईयर्स के बाद से ही सिखाया जाता है। और चारों तरफ क्रिकेट चल रहा है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने द्वारा यहाँ पे क्रिकेट सीख रहे हैं। ওরা এখন 10 ওভার আছে, ঠিক আছে। मैं आगे भी चल के आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सभी उम्र के लोग होते हैं यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और फिलहाल छुट्टी के दिन तो ये सब भी और भी अच्छा लगता है। क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये कोई उम्र के लिए नहीं है कि सिर्फ बड़े ही करें, बच्चे ही करें, हर उम्र के लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ख़ासकर ये अच्छा होता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। Baby, I'm a bad boy. Can you do my bad boy? Oh, they got effects into this. तो जो चक दे मूवी है, चक द एक्सप्रेस मूवी है, उसका वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को चक द एक्सप्रेस मूवी का जो स्टोरी है, जो इसी पार्क से जुड़ा हुआ है, झूलल गोस्वामी से, तो आखिर वो स्टोरी है क्या, अगर आप लोग को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।